के किसी वर्ग के अधिकारों का हनन रोका जा सकता है और रोका जाना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से हिजाब का मुद्दा गरमाया जा रहा है कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा, दलों द्वारा, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए समान नागरिक संहिता की बात करें, क्योंकि समान नागरिक संहिता ही एकमात्र उपचार है इस देश में इस तरीके की रूढ़वादिता को ख़त्म करने के लिए। मुस्कान जो बच्ची है हमारे लिए बेटी ही है, लेकिन निश्चित तौर पर उसकी तालीम में कहीं ना कहीं कमी है। ये जो कुरान को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं हिजाब पहना, क्योंकि शिक्षण संस्थान जो हैं वो शैक्षिक समरसता का स्वरूप है, वो एक ऐसे पवित्र स्थान है जहाँ पर बच्चे को सिर्फ शिक्षा दी जाती है। जब शिक्षक जो है मैनिपुलेट नहीं करता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, डिफ्रेंसिएशन नहीं करता पढ़ाने में कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है कि ये किस जाति का है, तो ऐसे में परिधान जो है वो भी अनुशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और ऐसे में वो शिक्षण संस्थान ही तय करेगा कि वहाँ पर क्या परिधान होना चाहिए और उसको सबको मान्य होना चाहिए, होना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो फैला रहे हैं गलत तरीके से काम करें, क्योंकि इनकी जो रूढ़वादिता है भाई, हमारे सनातन में सती प्रथा को, बलि प्रथा को जब बंद किया गया क्योंकि रूढ़वादी माने गए, गलत माने गए, तो ठीक इसी तरीके से इनको भी ये चीज़ सहजता से स्वीकार करनी चाहिए। और सेक्युलर कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा तब तक उस देश को सेक्युलर कहना जो है ये सेक्युलर का अपमान होगा। तो भारतवर्ष को अगर सेक्युलर है तो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। हमें बचना भी है ऐसे लोगों से, क्योंकि ये लोग इन बच्चों को गुमराह करके इस तरीके के इशू क्रिएट करवा रहे हैं जो कि अननेसेसरीली राजनीतिक मुद्दा बने। आज आप हिजाब की बात कर रहे हैं, कल आप नमाज़ पढ़ने की बात करेंगे संस्थानों में, धीरे से आप शुक्रवार की छुट्टी मांगेंगे, फिर कल को आप हलाला के लिए एक रूम की भी डिमांड कर देंगे, तो आपका तो कुछ भरोसा ही नहीं है। ये शिक्षण संस्थान है साहब, यहाँ पर केवल और केवल अनुशासन चलेगा और शिक्षा चलेगी और हमारा डिसिप्लिन चलेगा, और अनुशासन के अंतर्गत ड्रेस जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। अगर जिस तरीके इनको डिमांड पर रही अपने अड़े रेस पर, तो अगला कदम क्या रहेगा अगर इन्होंने नहीं माना? नहीं, डिमांड भी कोई नहीं, हमारे कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय ले लिया है और इस निर्णय को बड़ी बेंच में भी दिया जा रहा है। लेकिन बहुत पढ़ने के बाद, समझने के बाद, मुद्दे के बाद, मैंने अभी 4 दिन पहले भी इस बात को कहा था कि एक तो शिक्षण संस्थान को राजनीति से ही दूर कर देना चाहिए, वहाँ पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वहाँ पर केवल एक ग्रुप बनना चाहिए जबकि छात्र की समस्याओं का निवारण हो, वहाँ पर कोई भी समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ बच्चा सिर्फ शिक्षा लेने जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह, समान नागरिक संहिता, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता जिस दिन इस देश में लागू हो जाएगी, उस दिन 80% इस देश की समस्या का सारा समाधान हो जाएगा। जो आरोप हम पे लगाए जाते हैं या जो ओवैसी पर लगाए जाते हैं, सब ठीक हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। जी, प्रधानमंत्री जी को संबोधित यह ज्ञापन दिया गया है। ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जनपद अलीगढ़ के प्रखंड ने आज समान नागरिक संहिता देश में लागू करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों के साथ जो है ज्ञापन दिया है। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन है ये, और इसके साथ साथ कुछ और बिंदुओं पर भी है इसमें जो बातें लिखी हुई हैं, जो कर्नाटक का एक इसमें विषय चल रहा है उसकी बात, उसका भी हवाला है और कुछ और बिंदुओं में मांग की गई है, तो ये ज्ञापन जो है यथाशीघ्र संबंधित को पहुँचा दिया जाएगा। क्या डिमांड की गई है? समान नागरिक संहिता देश में, एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए ये मुख्य मांग है, और इसके साथ कुछ और मांगे हैं, कुछ और बिंदुओं पर उसी से संबंधित हैं। इस ज्ञापन को यथाशीघ्र नियमानुसार कार्रवाई के लिए पहुंचा दिया जाएगा। किसको भेजा गया? माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को।